नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लगी है। आग बुझाने के लिए सेना की मदद ली गई है। सेना इसमें जुट गई है। MI हेलीकॉप्टर की मदद से सेना आग बुझाने में लगी हुई है। धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक महिला की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को गोली मारी। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी का मृतक महिला की बेटी के साथ अफेयर था। अखिलेश यादव आज कन्नौज में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। सपा प्रमुख आज यहां 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। शोली, रसूलाबाद, बेला और उर्मदा के अखिलेश की चुनावी रैली होगी। दिल्ली में आज रात 8 बजे कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो सकती है। इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शाह की पहली रैली पोरबंदर में सुबह 10:30 बजे होगी। इसके बाद वह भरूच जाएंगे। दोपहर 3 बजे गोधरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। शाम 4:30 बजे वडोदरा में वह रोड शो करेंगे। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर उनकी मां बलविंदर कौर ने कहा कि अमृतपाल सिंह पर चुनाव लड़ने का दबाव बनाया जा रहा था और अब वह खडूर साहिब लोकसभा से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं। मणिपुर में उग्रवादी हमला हुआ है। इस हमले में CRPF के 2 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद हुए दोनों जवान 128वीं बटालियन के थे। घटना नारायण सेना इलाके की है। कुकी उग्रवादियों ने यह हमला किया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारियों के खिलाफ हिंसा से संबंधित एक मामले में संदेश खाली में तलाशी के दौरान CBI ने विदेशी निर्मित पिस्तौल और रिवॉल्वर सहित बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप रात 11:06 पर आया। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जेल बदल दी गई है। उन्हें जौनपुर जिला जेल से बरेली जेल ट्रांसफर कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच धनंजय सिंह को बरेली ले जाया गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 88 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण में करीब करीब पहले फेज जैसा ही हाल रहा। दूसरे चरण में 63.50% वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए महायुति की तरफ से अभी भी 7 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं। खबर है कि 24 घंटे भी बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में सपा नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान को भी उत्तर मध्य मुंबई सीट से टिकट नहीं दिया गया, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा भी दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का निवास मातोश्री मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। यहां से कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ उम्मीदवार है। महाराष्ट्र कांग्रेस में एक बार फिर से खुलकर मतभेद सामने आए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान ने लोकसभा चुनाव में राज्य में मुस्लिम उम्मीदवार न को लेकर पार्टी आलाकमान से नाराजगी जताई है। मुंबई की डिंडोशी सत्र अदालत से रवि किशन को राहत मिल गई है। कोर्ट ने 25 वर्षीय श्रीनिवास शुक्ला द्वारा DNA टेस्ट को लेकर दी गई याचिका को खारिज कर दिया है। संदेश खाली में विदेशी हथियार मिलने पर BJP नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। शुभेंदु ने कहा कि बंगाल में RTHS से हथियार मिल रहे हैं। TMC को आतंकी संगठन घोषित कर देना चाहिए। Amazon और Flipkart जैसे दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों को आने वाले दिनों में भारत में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ई कॉमर्स सेक्टर में दबदबा रखने वाली इन कंपनियों पर आरोप लगता गया है कि ये सेलर्स के साथ साठ गांठ कर प्रतिस्पर्धा को समाप्त करी है। पंजाब किंग्स के लिए शुक्रवार का दिन बहुत खास रहा। IPL 2024 के 42वें मुकाबले में पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ T20 इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट चेंज कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। पुष्पा 2 फिल्म साउथ इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। इस फिल्म को सभी ने खूब पसंद किया था। अब इस फिल्म का सिक्वल आने जा रहा है। लोगों के मन में इस फिल्म को लेकर खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।